राधे राधे, जय श्रीमन्नारायण। आज के ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब श्री जी की कृपा से बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग चलेंगे राधा बल्लभ जी के दर्शन के लिए और बांके बिहार जी के दर्शन के लिए, क्योंकि अभी हम लोग 3-4 दिन से बांके बिहार जी और राधा बल्लभ लाल जी के दर्शन हम लोग ना कर पा रहे। तो आज देखेंगे कि आज हम लोग श्री राधा बल्लभ लाल जी के और बांके बिहार जी के हम लोग दर्शन कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। तो ये जानने के लिए आप लोग मेरे ब्लॉग के अंत तक बने रही हो। यदि आप मेरे ब्लॉग में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरे से जुड़ सकते हो। तो अभी मैं आपको बता दूं, हम लोग बनखंडी महादेव से निकले हैं और बनखंडी महादेव से होते हुए हम लोग राधा वल्लभ लाल जी की तरफ में पहुंचेंगे। तो आप सबसे पहले मोटे गणेश जी के दर्शन करिए, उसके बाद में हम लोग आगे की तरफ में बढ़ेंगे। तो अब मैं आपको लेकर आ गया अठखंबा पे, और अठखंबा से होते हुए हम लोग श्री राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन के लिए चलेंगे। तो आप देख पा रहे हो कि आज हमें इधर भी अच्छी खासी भीड़ नज़र आ रही है, जो आप देख पा रहे हैं, और होली भी अच्छी खासी शुरू हो चुकी है। तो जैसे आप अठखंबा पे मुड़ेंगे तो आपको नरसिंह देव भगवान के बहुत ही विशेष दर्शन होंगे, और सामने की तरफ में आप जब जाओगे तो आपको यमुना जी महारानी के दिव्य दर्शन होंगे। तो अभी हम लोग राधा वल्लभ लाल जी के प्रांगण की तरफ में हम लोग बढ़ रहे हैं। तो एक बार मेरे साथ में श्री राधा वल्लभ लाल जी की जय भी बोल दीजिए, और कमेंट में आप राधे राधे करना ना ही भूलिएगा। तो हम लोग अब आ चुके हैं श्री राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर की तरफ में। कुछ दूरी पर ही हम श्री राधा वल्लभ लाल जी के दिव्य दर्शन करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे श्रीधाम वृंदावन में बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो आप देख पा रहे हैं कि अब मैं इससे आगे मैं आपको आगे नहीं लेके जा सकता हूँ, क्योंकि वृंदावन में की राधा वल्लभ मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ है। आप देख रहे हो कि पूरा मंदिर प्रांगण, जो बाहर वाला जो प्रांगण है, वो पूरा भीड़ से भरा हुआ है, जो आप अच्छे से देख पा रहे हैं। सबसे ज़्यादा भीड़ है, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग आज भी श्री राधा वल्लभ लाल जी के दिव्य दर्शन नहीं कर पाएंगे। बस आप इतना ही अनुमान लगा सकते हो कि श्रीधाम वृंदावन में बहुत ज़्यादा भीड़ है, और सबसे ज़्यादा भीड़ श्रीधाम वृंदावन में हो रही है इस समय, क्योंकि हमने जब कल भी आपको जब दर्शन कराए थे तो उस समय परिक्रमा मार्ग में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। यानी कल का रिकॉर्ड जो आपको बता दिया जाए, अयोध्या से भी ज़्यादा, मतलब अयोध्या वाला भी रिकॉर्ड श्रीधाम वृंदावन में भीड़ ने तोड़ दिया था। तो आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा भीड़ है। यदि हम लोग भीड़ में फंस गए तो फंसे ही रह जाएंगे, ना तो हम आगे की तरफ में निकल पाएंगे, ना हम इधर में निकल पाएंगे। तो आप देख रहे हो ना, वो जो सामने में जो नज़र आ रहा है वो श्री राधा वल्लभ लाल जी का मंदिर है, और अभी हम लोग मंदिर के बाहर में हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है इसलिए हम लोग मंदिर के बाहर में खड़े हुए हैं। तो आपने राधा वल्लभ लाल जी के दिव्य दर्शन के लिए आए थे, तो हमें राधा वल्लभ लाल जी के तो दिव्य दर्शन नहीं हो पाए। अब हम आगे की तरफ में बढ़ेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हाँ, हम अच्छे से श्री राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वृंदावन में भीड़ ही बहुत हो रखी है। सबसे ज़्यादा इस समय श्रीधाम वृंदावन में भीड़ हो रही है, जो आप देख पा रहे होंगे। तो अब हम लोग आगे की तरफ में बढ़ेंगे, और अब मैं आपको श्री बांके बिहारी लाल जी की तरफ में मैं आपको लेके चलूँगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि आप लोग अभी श्रीधाम वृंदावन में आने के लिए मत सोचिएगा, क्योंकि हमारे श्रीधाम वृंदावन में आप कहीं भी चले जाओ, इस समय आपको बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी, और सबसे ज़्यादा भीड़ इस समय श्रीधाम वृंदावन में हो रही है। यानी इस बार की जो भीड़ है उसने पिछले साल का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब और दूसरी बात आपको बता दूं, अभी हमारे श्रीधाम वृंदावन में बहुत अच्छे से पानी की होली और रंग की होली शुरू हो चुकी है। तो एक ऊपर से भीड़, फिर ऊपर से रंग मिलने के बाद में एकदम कीचड़ कीचड़ हो रखा है। यदि किसी का पैर स्लिप हुआ तो कुछ भी हो सकता है। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग कोई भी श्रीधाम वृंदावन में
होली उत्सव पे ना ही आए तो ही अच्छा होगा। तो अभी हम लोग आगे की तरफ में बढ़ते हैं और अब हम लोग चल रहे हैं श्री बांके बिहारी लाल जी के दिव्य दर्शन के लिए। तो आप देख रहे हो अभी हम लोग बांके बिहारी जी मंदिर तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि मंदिर अभी यहाँ से काफ़ी दूरी पर तो नहीं है, लेकिन हाँ दूर है। पर आप देख रहे हो जैसे जैसे हम लोग मंदिर के करीब पहुंच रहे हैं वैसे वैसे हम लोगों को भीड़ और बढ़ती हुई नज़र आ रही है और बहुत ज़्यादा इस समय भीड़ हो रखी है। तो इसका मतलब ये है कि आज लगता है कि आज हमारे श्री बांके बिहारी लाल जी भी हमको दर्शन नहीं देंगे। और कोई बात नहीं है, नहीं दर्शन दे रहे क्योंकि बांके बिहारी जी हमारे हैं और हम बांके बिहारी जी के हैं। बांके बिहारी जी कहीं नहीं जा रहे हैं, हम भी कहीं नहीं जा रहे हैं। तो जब भीड़ कम हो जाएगी उसके बाद में हम लोग आके श्री बांके बिहारी लाल जी के दिव्य दर्शन करेंगे। और जिस दिन वृंदावन में भीड़ कम होगी उस दिन मैं आपको जल्दी से जल्दी अपडेट दे दूंगा। कुछ लोग भैया पूछ रहे हैं कि हम 28 के बाद में अगर दर्शन के लिए आएँ तो कैसी भीड़ रहेगी। तो मैं आपको बता दूँ अभी आप आने की मत सोचिएगा क्योंकि अभी वृंदावन में भीड़ दिनों दिन बढ़ती जा रही है और होली की वजह से और ज़्यादा भीड़ श्रीधाम वृंदावन में हो रही है। तो देखो अब मैं आपको लेके आ चुका हूँ दाऊ जी के तिराहे पे। तो आप देख पा रहे हो कि दाऊ जी के तिराहे पर भी आपको चारों तरफ में भीड़ नज़र आ रही है। तो अब हम आपको बता दें कि अब आगे की तरफ में हम लोग नहीं बढ़ेंगे, हम लोग यहीं से ही दर्शन करेंगे। तो आप लोग भी यहीं से मानसिक रूप से श्री बांके बिहारी लाल जी के दिव्य दर्शन कर लो। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। तो भैया अब हम लोग वापस लौट के चल रहे हैं, अब हम आगे की तरफ में बढ़ेंगे और आगे की तरफ में देखेंगे कि क्या स्थिति है और अब हम लोग आगे के मंदिरों में चलेंगे। तो ये जानने के लिए आप लोग मेरे ब्लॉग में अंत तक बने रहिएगा। आप जो सामने वाला रास्ता देख रहे हैं ये रास्ता राधा वल्लभ जी के मंदिर के लिए गया हुआ है और आपको बता दूं और हमारे यमुना महारानी जी के लिए भी ये रास्ता निकला हुआ है। तो आप इधर में भी जाके आप दर्शन कर सकते थे और कर सकोगे भी, लेकिन अभी हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि भीड़ ही इतनी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस समय भीड़ हो रखी है। आप जो देख पा रहे हैं बहुत होली हो रही है हमारे वृंदावन में, सबसे ज़्यादा इस समय होली चल रही है। तो अब मैं आपको एक राधा माधव के दर्शन करिए, ये बहुत ही सुंदर श्री विग्रह, बहुत ही सुंदर भगवान है। आज इनकी सवारी निकलने वाली है और आज ये जो हम जो दर्शन कर रहे हैं ये 40 साल बाद भगवान की दिव्य सवारी आज निकलेगी। तो आप पहले राधा माधव के दिव्य दर्शन करिए। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करना ना भूलें।